बिल्कुल, आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नए बिजनेस कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने की संभावना आपको जरूर देखने मिलेगी। लेकिन अगेन, अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो पिछली बार हमने देखा था कि नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे थे, इस बार इतने अच्छे इंश्योरेंस में नंबर्स आते हुए नहीं दिखेंगे। सिमिलरली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन में भी जो प्रदर्शन है वो इस बार वाईओवाई बेसिस पर अच्छा आता हुआ दिखेगा। कोविड से जुड़े जो क्लेम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं इस बार, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा। प्रोविजन के नंबर्स किस तरह से आते हैं इस पर इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है इस पर जो इम्पैक्ट है वो प्रोविजन के नंबर्स क्लेम्स का भी आता हुआ दिखेगा, और इसी के चलते जो मुनाफा है वो इस बार करीब 20-22% तक कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर टॉप लाइन की बात करें जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें 18% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, जो न्यू बिजनेस एपी ग्रोथ है उसमें 57% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। सिक्वेंशियली नंबर्स इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वाईओवाई बेसिस पर अच्छे नंबर्स आने का अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है, स्पेशली टॉप लाइन की अगर बात करें तो।